गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ GIS के हमारे अगले टॉपिक में हम बात कर रहे हैं आज ह्यूमन सेटलमेंट्स के रीजन में GIS की एप्लीकेशंस। मानव अधिवासों के क्षेत्र में GIS के क्या क्या उपयोग हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले आज बात कर रहे हैं नगर नियोजन के क्षेत्र में नगरों की प्लानिंग। आजकल हम पढ़ते आ रहे हैं कि परंपरागत जो पुराने नगर होते थे वो अनप्लान तरीके से बसाए जाते थे, परंतु आज के जो वर्तमान नगर हैं वो आगामी परिस्थितियों को पहले से ध्यान में रख करके सुनियोजित तरीके से बसाए जा रहे हैं, जिनमें चंडीगढ़ उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, न्यू दिल्ली उसका एग्जाम्पल है, बेंगलुरु एग्जाम्पल है, भोपाल उनका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से जो नगरों का प्लान किया जाता है वो GIS के तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। GIS का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम उनके द्वारा नगर नियोजन को बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हम बात करते हैं नगरों की वृद्धि की मॉडलिंग। जब ग्रोथ की बात करते हैं, हम नगरों की वृद्धि की बात करते हैं, तो यहाँ पर बात आती है कि नगरों के अलग अलग टाइम का जब हमारे पास डाटा आता है और उसकी हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना करके जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं GIS सॉफ्टवेयर में, तो हमें पता चलता है कि कोई ए रीजन है वो पहले किस दायरे में फैला हुआ था, बाद में उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो किस स्पेशल डायरेक्शन में या किस एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ, किस प्रमुख रेलवे लाइन के साथ में या किस औद्योगिक प्रदेश की वजह से एक क्षेत्र में उसकी ग्रोथ है वो अधिक है दूसरे क्षेत्र की बजाय। हम व्यवहार में भी ऐसा देखते हैं, नगरों की ग्रोथ है वो चारों दिशाओं में एक जैसी नहीं होती है। किसी क्षेत्र विशेष में कुछ प्रतिकूल कारणों से प्रभाव नहीं पड़ पाता है, नगर की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो किन्हीं क्षेत्रों में कुछ आकर्षक फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो नगरों को रहने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और नगर उस ओर ग्रोथ करता है। तो नगरों की ग्रोथ की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसकी मॉडलिंग का मतलब है उसका मानचित्रण कर पाना कंप्यूटर ग्राफिक के जरिए, वो GIS बड़े आसानी से कर सकता है। और जहाँ पर प्रवृत्ति है नगर की ग्रोथ होने की, बढ़ने की, तो आगाम में जो कोई और इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो जहाँ इन्वेस्ट करना चाहें नगर में, तो वो उसी क्षेत्र की ओर अपना रुझान दिखाते हैं, तो GIS उनकी सहायता करता है। पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों की पहचान करना, GIS के द्वारा हम पर्यटक क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे सेटलमेंट रीजन के आसपास कहाँ किस प्रकार के पर्यटक क्षेत्र डेवलप हो सकते हैं या किस प्रकार के डेवलप हैं ऑलरेडी, तो हम अपना अगर बात करें टूर एंड ट्रेवल्स की तो उस तरीके की प्लानिंग की जा सकती हैं, या फिर पर्यटक क्षेत्रों को डेवलप करने की प्लानिंग की जा सकती हैं, या अन्य प्रकार के ऐसे कोई क्षेत्र जो रिसोर्ट वगैरह हैं या फाइव स्टार होटल्स हैं उनकी जो प्लानिंग करना है, उनको सेटअप करना है, या ऑलरेडी जो सेटअप हैं तो उन तक पहुंच है, पहुंच के रूट कौन से हो सकते हैं, उन सब की जो है वो GIS के द्वारा मॉडलिंग की जा सकती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिखाया गया ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार, कमी या परिवर्तन। हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवर्तन आते हैं समय के साथ साथ, उनके परिवर्तनों की जानकारी भी हम GIS एप्लीकेशन के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रोथ हो रही है या ग्रामीण क्षेत्रों में डिक्लाइन की प्रवृत्ति है। आज हम देख रहे हैं कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, अर्बन एरिया बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से पॉपुलेशन अर्बन एरिया की ओर लगातार ग्रोथ कर रही है। तो यहाँ से हम ये स्पष्ट कर पा रहे हैं GIS के द्वारा कि ग्रामीण क्षेत्र संकुचित होते जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के चारों ओर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें भी किस प्रकार की कमी देखी गई है या लैंड यूज़ का पैटर्न है वो बदल रहा है, तो हम उसको भी GIS के द्वारा डिमार्केशन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में इसके क्या अनुप्रयोग हैं। बच्चों, उद्योगों का स्थानीयकरण सबसे बड़ी समस्या रही है, उद्योग को लगाने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव कर पाना। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो GIS के द्वारा बड़े आसानी से उस समस्या का समाधान हो सकता है। GIS के द्वारा हमें बाजार मार्केट का पता होता है, GIS के द्वारा हम डेटा के थ्रू हम खनिज क्षेत्रों की खोजबीन कर सकते हैं, खनिज क्षेत्रों का मैपिंग कर सकते हैं, तो हमें खनिजों के बारे में पता है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए चाहिए, बाजार मार्केट हमें इंडस्ट्री के लिए चाहिए, साथ ही साथ हम जो नेटवर्किंग एरिया है खास तौर पे इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम कर सकते हैं कि बिजली, पानी, सड़क, रेल या टेलीफोन सेवाएँ, ये जो नेटवर्किंग सेवाएँ हैं बेसिक, इनकी भी मॉडलिंग अगर हो जाती है तो ये नीचे के दोनों जो कॉलम हैं हमारे, ये दोनों कॉलम मिला करके एक तीसरा पार्ट इंडस्ट्री के लिए डेवलप कर देते हैं। और इस प्रकार से हम इन तीनों फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए, जैसे वेबर ने बताया था ठीक उस प्रकार से, हम उद्योगों का स्थानीयकरण सिलेक्ट कर सकते हैं कि उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाएँ जिससे हमें मैक्सिमम लाभ की प्राप्ति हो, रॉ मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और जो तैयार माल हैं, प्रोडक्ट हैं हमारे, वो मार्केट तक
कम से कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे पहुंचाए जा सके। तो इस प्रकार की मॉडलिंग करने में भी जीआईएस हमारी हेल्प करता है। यहाँ नेटवर्किंग प्रणाली के बारे में हम देखते हैं। नेटवर्किंग प्रणाली मतलब जो सेवाएं किसी एक नेटवर्क के द्वारा, किसी एक लाइन के द्वारा जुड़ी होती हैं, उनके कुछ प्रमुख नाम मैंने लिए एग्जांपल में, जैसे बिजली की लाइनें होती हैं, पानी की लाइनें, चाहे वो वाटर सप्लाई का है, इरिगेशन का है, गैस पाइपलाइन है, सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, तार प्रणाली, टेलीग्राफ प्रणाली, टेलीफोन प्रणाली है, ये सभी लाइनें हैं। और इन लाइनों को हम पॉइंट और लाइन यानी कि वेक्टर डेटा के फॉर्मेट में जीआईएस एप्लीकेशन के द्वारा बड़े अच्छे से इनकी मॉडलिंग कर सकते हैं। इनकी मॉडलिंग के द्वारा ये बड़े आसानी से शो की जा सकती हैं, या किन किन क्षेत्रों तक इनकी पहुंच है उसको दर्शाया जा सकता है, या कोई क्षेत्र अगर हमें इंडस्ट्री लगानी है या हम कहीं में सेटलमेंट नहीं स्थापित करनी है तो हम देख सकते हैं वहाँ आसपास इस प्रकार की कोई सेवा उपलब्ध है या नहीं है। तो इस प्रकार की मॉडलिंग से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। आगे हम बात करते हैं खनिजों की खोज एवं खनन कार्य। तो प्रमुख प्रकार के खनिजों के क्षेत्रों की मॉडलिंग करना, उनका मानचित्रण कर पाना, खनन कार्य कहाँ एक्टिव है प्रेजेंट में, कहाँ नहीं है, कौन सी खाने ऐसी हैं जो अभी बंद हैं, तो इस प्रकार की मानचित्रण के द्वारा हमें औद्योगिक क्षेत्रों में इसका लाभ प्राप्त होता है। आगे आता है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में हम बात करें अभी, जैसे कि रोगों के फैलाव के क्षेत्रों की पहचान करना, कोई स्पेशल प्रकार का विशेष रोग है वो कहाँ से फैला है, कहाँ गया हुआ है। बच्चों आज कोरोना के बारे में आप अपने मोबाइल में कई प्रकार के मानचित्र देखते हैं, विश्व भर में फैले हुए कोरोना के जो रीजन है, कहाँ कहाँ कोरोना फैला हुआ है, तो उसके आप मानचित्रण के सहायता से बड़े आसानी से देख सकते हैं। न्यूज़ में भी दिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के मैप दिखाए जाते हैं। ये सभी जीआईएस के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं। लेयर बाय लेयर जीआईएस के द्वारा इन मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। एक क्षेत्र विशेष में कोरोना कहाँ कहाँ एक्टिव है, कहाँ इसके मरीज़ फैले हुए हैं, और फिर दूसरे क्षेत्र में कैसे ये आगे पहुंचा हुआ है, तो उसकी मानचित्रण की प्रक्रिया यहाँ पे लागू कर दी जाती है। और विश्व भर में इन फैलाव के क्षेत्रों की पहचान करना आसान हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के द्वारा या कलर को ब्लिंक करके इनको पहचान दी जाती है। फिर आता है स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्रों का मानचित्रण करना। अब चलो ये तो हो गए रोग के क्षेत्र, उसके अलावा अब स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, अब हम स्वास्थ्य सुविधाओं को कहाँ ढूंढेंगे, तो उसके लिए भी जीआईएस के द्वारा मानचित्रण किया जाता है। और वो जैसे ही हम एक्टिव करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में एक एक पॉइंट्स के रूप में हमें नज़र आने लग जाते हैं कि इन इन क्षेत्रों में ये स्वास्थ्य सुविधाएँ बनी हुई हैं। जैसे आज हम बात करें भारत में कोरोना कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है और वहाँ आइसोलेशन वार्ड कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ज़िलों में बने हुए हैं, तो ये रोग का फैलाव क्षेत्र हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्रों का मानचित्रण करना। तो जहाँ जहाँ आइसोलेशन वार्ड हैं वो हमारे सामने हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रकट हो जाते हैं, उनका मानचित्रण हो जाता है। तो अगर ये डेटा हमारे पास है तो हम जीआईएस के थ्रू उनका मानचित्रण कर सकते हैं। फिर ये दोनों ही अगर डाटा हमारे पास होता है, दोनों प्रकार का डाटा, कहाँ से रोग फैल रहा है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ हमारे राहत व बचाव के लिए सुविधाएं स्थापित हैं, तो हम फिर बचाव का कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी किया जा रहा है कि बचाव का कार्य का मतलब अगर रोग है ए स्टेशन तक पहुंचा हुआ है तो ए से बी के बीच का जो दायरा है उसको रोक दिया जाए, उनका इंटरलिंक है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो रोग वो ए स्थान तक सीमित रहेगा और धीरे धीरे उस पर काबू पाया जा सकता है, बी तक नहीं फैलेगा। तो इसी प्रकार से राहत व बचाव के कार्य के लिए भी हमें उनका मानचित्रण करना, समय के साथ मानचित्रण में बदलाव करना, डेटा को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जीआईएस की प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार की सुविधाएं हमें प्रदान कराती हैं। इसके बाद की कुछ जीआईएस की एप्लीकेशंस और रहती हैं बच्चों, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कृषि क्षेत्र में इसकी एप्लीकेशन है, कृषि के अलावा हमारे भौगोलिक क्षेत्रों में खासतौर पर भू आकृति विज्ञान में, समुद्र विज्ञान में, जलवायु विज्ञान में, इनके अंदर इनके एप्लीकेशन हैं। यहाँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनके एप्लीकेशंस हैं। और इसके अलावा जो हमारा सामरिक स्थान आता है, सामरिक क्षेत्र आते हैं जिनको हम सैन्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, इनमें या एजुकेशन प्रणाली में, इनमें भी इनकी कुछ एप्लीकेशन हैं, हम उसके ऊपर कल बात करेंगे। आज आप यहाँ तक का कंप्लीट करें इसको, और इससे रिलेटेड अपना असाइनमेंट या अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करें। बच्चों घर पर बने रहें, सेफ़ रहें। थैंक यू सो मच।